तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो मौसम है ना वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का हो चुका है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर बहुत सारी बारिश हुई थी और इस बारिश के मौसम के अंदर हमारा सबका मन होता है कि यार मार्केट के अंदर जाएं और ऐसे ही एक कमाल के ठेले को ढूंढे जहाँ पर पानी पूरी मिलती हो। क्योंकि यार हम अक्सर क्या करते हैं कि यार ऐसे मौसम के अंदर बहुत ज्यादा पानी पूरी खाते हैं और कोई कोई जो है 50 रुपए के 100 रुपए तक की पानी पूरी खा सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो यार गाइस आज के इस मुकाबले के अंदर हम सभी के दिमाग के अंदर ये रहता है कि जेंट्स और लेडीज के कंपैरिजन के अंदर जो लेडीज होती है ना वो जेंट्स से ज्यादा पानी पूरी ही खाती है। तो यार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि लेडीज ज्यादा पानी पूरी खाती है या फिर जेंट्स। तो फटाफट से मुकाबले को शुरू करते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, जेंट्स ज्यादा खाएंगे या फिर लेडीज? तो गाइस यार मैंने गांव के अंदर चुन चुन कर 5 ऐसी लेडीज ढूंढी है जिनको पानी पता से नहीं कि यार पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा खाना पसंद करती है। और तभी तो यार कंपटीशन बहुत ज्यादा मजेदार होगा और तभी तो कंपटीशन के अंदर बड़ा सारा मजा आने वाला है, क्यों? बिल्कुल। तो गाइस यार इधर मैं मेरी टीम के अंदर यानी कि टीम जेंट्स जो है वो मेरी है और जो टीम लेडीज है वो शिवराज की है। तो मैं मेरी टीम के अंदर जो भी जेंट्स है हमारे गाँव के चुन चुन कर यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ जो सबसे ज्यादा पानी पूरी सके। तो आप लोग इधर देख सकते हो काफी हट्टे कट्टे इंसान है और उधर भी लेडीज कम नहीं है। तो फटाफट से इस मुकाबले को शुरू करते हैं। लेकिन आज के इस मुकाबले का प्राइज रहेगा जो भी इन टीमों में से जीतेगा 50,000 रुपए। Yes! Yeah! तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। और आप बताओ कि यार गुड्डू की टीम जीतेगी यानी कि टीम जेंट्स जीतेगी या फिर मेरी टीम लेडीज जीतेगी, आपको क्या लगता है कौन पैसे लेके जाएगा? बिल्कुल गाइस, लेडीज हम सबको पता है और हम सब मानते हैं कि लेडीज ज्यादा पानी पूरी खाती है। तो आज इस बात का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फटाफट से गेम को शुरू करते हैं और सबसे पहले खिलाते हैं किनको? जेंट्स को खिलाओ। जेंट्स को खिलाएं? पक्का। ठीक है भाई, तो जेंट्स को एक साथ खिलाएंगे। और भैया आपको है ना जेंट्स को और जो लेडीज है जो मसाला बराबर खिलाना आपको, ठीक है ना? ये नहीं इनको ज्यादा या फिर उनको कम, ठीक है? तो बराबर रखना है। बराबर। ठीक है, स्टार्ट करो। तो गाइस यार यहाँ पर जो मेरी टीम है टीम जेंट्स वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर प्यारा प्यारा मस्त मजेदार पानी तैयार है, पानी पूरी तैयार है, मसाला तैयार है। और यहाँ पर ध्यान रखने के लिए है मेरी अपोजिट साइड टीम का शिवराज यहाँ पर तैयार है। तो फटाफट से गेम को शुरू करते हैं। यस, 1 2 3। आपको ध्यान रखना है ना ये कितने खाते हैं। देखो गाइस अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम का इशू नहीं है, जितना खा सको पेट के अंदर भर सको, सब ध्यान से सुनना, ठीक है? और एक बात और है, यानी कि जितना टारगेट मिलेगा ना जितना टारगेट मिलेगा वो लेडीज को पता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी लेडीज जो है साइड के अंदर है, लास्ट के अंदर इनको लास्ट के अंदर खुलासा करेंगे जेंट्स कितने खाए और लेडीज कितनी खाए। बिल्कुल 5 आ गई है, ठीक है? और धीरे धीरे बताते हैं, क्या पता कोई सुन ले, ठीक है? आराम से खाओ खाओ खाओ। कमान जवाना, कमान ये आपके होने चाहिए, ये रे खाओ खाओ खाओ। तो गाइस यार आप लोगों को क्या लग रहा है इनके जोश से कि टीम मेरी जीतेगी या फिर टीम शिवराज की जीतेगी? गाइस मेरी वाली टीम है भाई, मजबूत। हम जीतेंगे ना हम। कोई बोल ही नहीं रहा। लवन जीता। हाँ बोल रहे खा रहे यार, खाने में बिजी है। भाई सबके चेहरे देख लो कितने कितने खा सकते हैं। और भैया बिल्कुल अच्छी तरीके से काउंट कर रहे हैं। काउंट कर रहे हो ना भैया? हां काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल। और इनका ध्यान रखने के लिए मैं भी हूँ ताकि कहीं धीरे से इतने से भी चीटिंग ना हो जाए, ठीक है? और गाइस आप भी है ना प्रेडिक्शन लगा लो कि जो जेंट्स है वो कितने खा सकते हैं वो भी कमेंट के अंदर बता दो। और लास्ट के अंदर आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा कि 5 इंसान कितनी पानी पूरी खा सकते हैं ये वाले। अरे भैया जी इधर आधी खा रहे हैं आधी गिरा रहे हैं, आधी खा रहे हैं आधी गिरा रहे हैं। नहीं 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 भैया जी, ये देखो आधी मुंह उधर करके खाओ।
जल्दी जल्दी कमान कमान गाइस। लोसा लोसा अट्ठाईस पतासी हुई है अभी। 28 हुई है। हाँ ठीक है गाइस, 28 पतासी हुई है और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है और मानेंगे भी नहीं। कितनी खाओगे? नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं नहीं, चेपो चेपो। तो गाइस यार यहाँ पर जेंट्स को खाते खाते काफी टाइम हो चुका है और भैया से पूछ लेते हैं जेंट्स ने कितनी खा ली है। कितनी खाई भैया? 35 बतासी। 35? हाँ। तो गाइस यहाँ पर अभी तक 35 खा चुके हैं, मेरे को लग रहा है अभी तो और खाते जाएंगे क्योंकि इन्हीं को जीतना है। रुको जरा। नहीं इन्हीं को जीतना है। मैं ध्यान रखने के लिए हूँ बेटे, एक इधर उधर हुई नहीं कि मैं धड़ाम से कूद जाऊंगा। क्यों मिस्टेक क्यों कर दी? नहीं कोई अभी मिस्टेक नहीं हुई है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही। हाँ मैं ध्यान रखने के लिए आया हूँ। ठीक है तो भाई अभी अभी मैंने पता किया है जो जेंट्स का स्कोर है ना वो 70 चला गया है, आउट ऑफ बजट है भाई ये मेरे। भाई मेरी टीम हार ना जाए बस, और अभी कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, खाए जा रहे हैं घपा गप घपा गप। गॉड गॉड गॉड, लाजवाब। अरे बस करो बस करो, कोई लाजवाब नहीं। बस आज बस नहीं करना है ना, आऊंगा कुमार। ये हुई ना बात, भैया जी ठूस रहे हैं, गले के अंदर जा नहीं रहा लेकिन फिर भी उंगलियों से ठूस रहे हैं। तो गाइस यार यहाँ पर फाइनली मेरी टीम के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर झटका लगा है, जो एक टीममेट से वो यहाँ पर अब थोड़े अपने हाथ खींच रहे हैं, यानी कि ये गेम से अब बाहर हो रहे हैं, यानी कि अब ये बिल्कुल भी ना खा पाएंगे और अब मेरी टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी बचे हैं। तो देखते हैं ये कितने खा पाते हैं। क्या उल्टियाँ होने लगी है? अच्छा मतलब जी घबराने लगे। ठीक है भाई 4 बंदे बचे हैं इनके। ठीक है अभी खाए जा रहे हैं, उनको देखो आंखें लाल हो गई लेकिन अभी भी खा रहे हैं। Yeah! तो गाइस यार अभी अभी मेरे को पता चला है कि जो मेरी टीम यानी कि जो टीम जेंट्स है वो यहाँ पर खा चुकी है पानी पूरी, यानी कि 70 से बाहर 150 पानी पूरी खा चुकी है मेरी वाली टीम। Yeah! बहुत तेज हो रहे हो हैं क्या ये? भाई अभी भी 4 बंदे बचे हुए हैं। ये क्या है भाई, घपा गप खा रहे हैं जिसमें से एक विकेट गिर चुका है जेंट्स का, यानी कि एक बंदा खा ही नहीं रहा, सिर्फ 4 ही खा रहे हैं। 150 से पार हो गया है और भाई मुझे पता है स्कोर क्या जाने वाला है, मैं अभी से अंदाजा लगा सकता हूँ। कोई भी रुक नहीं रहा है, ये देखो आंसू आ गए हैं लेकिन अभी भी रुक नहीं रहे। और खाओगे? कमान कमान, मत खाओ मत खाओ। खाली कर दे आज। हैं? अभी करियो डब्बी। हैं क्या बोल रहा हूँ? खाली करा पूरो। अबार। क्या बोल रहा हूँ? पानी पत्थर से पूरा खा जाऊँ मैं एक और का। तो गाइस यार जो मेरी टीम के टीममेट्स हैं वो बोल रहे पूरा का पूरा ठेला खा जाएंगे हम तो। या! नहीं ये नहीं है भाई, इनका पेट खराब हो जाएगा। नहीं होगा नहीं होगा, क्या बात है जवानों क्या बात है, लगे रहो लगे रहो। अभी मेरे को और गुड न्यूज मिली है, यानी कि जो टीम मेरी है टीम जेंट्स है उन्होंने यहाँ पर 200 यानी कि 200 यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर भैया के जो पानी पूरी जो मसाला है वो खाली हो गया है, यानी कि नया मसाला बन रहा है, लेकिन जो मेरी टीम है अभी भी स्टील अलाइव है। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ध्यान रख रहा हूँ। आप देखो हंस रहे मेरे ऊपर, हंस लो हंस लो, आज जितना हंसोगे थोड़ी देर बाद में आपको रोना आएगा। नहीं तो भाई यार इनको खाते खाते लगभग लगभग आधा घंटा हो गया है और अभी भी गुड्डू वाली जो टीम है ना वो खाए जा रही है। सिर्फ एक बंदे का विकेट गिरा है, 4 बंदे स्टिल अलाइव स्ट्राइक पर है। गजब, कितने खाली है? 250 यानी कि 250।
250 टीम जेंट्स ने खा लिए हैं और अब देखते हैं लेडीज कितनी खाएगी। लेकिन अभी भी ये खाते जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, मत खाओ मत खाओ, मेरी टीम हार जाएगी यार। भाई इसके टीम का एक और विकेट गया बस। तो गाइस यार मेरी टीम का एक और विकेट गिर चुका है और अब मेरी टीम के अंदर खाने वाले पानी पूरी खाने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे यहां पर बचे हैं, लेकिन ये अभी भी स्टील अलाइव है। तो देखते हैं फाइनल ये कितनी पानी पूरी खा सकते हैं। अरे अरे क्या हुआ, गड़ब बस। अरे भाई इनकी टीम का फटाफट फटाफट विकेट गिर रहा है और भैया से एक बार कंफर्म करते हैं कि कितने खिला दिए। भैया कितने खिलाए? 275 पानी पूरी। 275 यानी कि 250 से लेकर 275 तक इसके 2 विकेट गिर गए और अब विकेट बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट बचे हैं मेरे। तो गाइस फाइनली यहां पर मेरी टीम के लिए एक और गहरा झटका लगता हुआ, यानी कि एक और विकेट, यानी कि एक के बाद एक करके विकेट गिर रहे हैं। अब ये भाई साहब भी अपने हैंड्स अप कर दिए हैं, यानी कि अब खिलाड़ी बचा है मेरी टीम का सिर्फ और सिर्फ एक। ये अभी तक स्टिल अलाइव है भाई। भाई अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है हमारी जो पलड़ा है ना हमारा भारी होगा। और भैया अभी हम इनको भैया से नहीं पूछेंगे कितने खाए, लास्ट में पूछेंगे कितने खाए, है ना? बिल्कुल। क्या खत्म? भाई इनकी टीम गई पूरी गई 5 विकेट खल्लास। इतने खाओगे? पक्का? पक्का। हार मान ली? हार मान। ठीक है। तो भाई इसने जो है ना अपना सर पकड़ लिया है और अब खड़ा हो खड़ा हो। भैया से पूछते हैं फाइनल स्कोर क्या है। आ किसी को नहीं बताते और कान में बताओ। आ जाओ। 300 फिक्स? फिक्स। एक भी ऊपर नीचे नहीं है? एग्जैक्ट 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 ना। तो गाइस यार हमें पता चल गया कि यार टीम जेंट्स है यानी कि यार गुड्डू की टीम ने कितने पानी पूरी खाए और स्कोर इतना है कि यार अभी जो सुनकर मेरा सर दर्द होने लगा है। तो गाइस यार यानी कि टीम जेंट्स है वो यहां पर पूरी की पूरी ऑल आउट हो चुकी है और जो फाइनल स्कोर है वो हम बताएंगे आप लोगों को वीडियो के लास्ट के अंदर। तो अब भाई बारी आती है मेरी टीम की यानी कि यार लेडीज की, ठीक है? वो कितना खाती है स्कोर किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लास्ट में बताते हैं। ना आपको अभी पता है ना लेडीज को पता है, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को और इन भैया को पता है। तो भाई अब जो है ना मेरी टीम आ चुकी है और इनको किसी को भी नहीं पता कि यार हमें कितने पानी पता से खाने हैं। बस जब तक पेट ना भरता है ना तब तक इनको खाने हैं, ठीक है? यानी कि लेडीज लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि जेंट्स ने कितनी पानी पूरी खाई है। ये जब तक खाएगी जब तक इनका पेट फुल हो जाएगा और लास्ट के अंदर अनाउंस करेंगे कि लेडीज ने कितनी खाई है और जेंट्स ने कितनी खाई है। और भाई मैं चाहकर भी चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि टीम जेंट्स का जो है ना लीडर है वो मेरे पास खड़ा है और टीम लेडीज का पहले मैं इसके पास खड़ा था, ठीक है? तो यस मुकाबला प्रारंभ किया जाए। करो रे। तो भाई कहा जाता है ना क्या लेडीज सबसे ज्यादा पानी पूरी खाती है यानी कि जेंट्स को हराना बिल्कुल आसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यार स्कोर कितना है। वो स्कोर है ना मेरे यहाँ पर आ रखा भाई और इनको देखकर लग सकता है यार हम लोग हार भी जाए लेकिन लेडीज है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बिल्कुल गाइस, जो रोजाना हम सोचते हैं वो बात बिल्कुल राइट भी हो सकती है कि लेडीज जेंट्स से ज्यादा खाए। तो मुकाबला अभी चल रहा है, काफी जोश के अंदर है लेडीज टीम, ठीक है? भाई एक बार इनसे पूछते हैं भैया से कि कितनी हुई है, ठीक है? स्कोर किसी को नहीं बताएंगे। भैया कितनी हुई है? 30 हो गई, ठीक है भाई 30 तो हो गई है लेकिन पहाड़ जैसा स्कोर है। तो गाइस यार यहाँ पर ये वाले जो आंटी जी है काफी जोश के अंदर ये बोल रहे लाओ लाओ भैया फटाफट लाओ यार खाली क्यों है।
शाबाश शाबाश, ये जो कंटेस्टेंट है ना वो बाजी रख रहे हैं, ये बोले जल्दी लाओ, थोड़े जोश दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहाड़ जैसे स्कोर को तोड़ने के लिए पहाड़ जैसा हौसला रखना पड़ता है। ठीक है, हमारी जो टीम है ना वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है और एक भी विकेट में हमारी टीम का नहीं गिरा है। खा रहे हो ना? टीम के अंदर जोश है भाई, बहुत धीरे आवाज आ रही है इनकी, लेकिन जोश तो है ना। हाँ जोश है भाई, जोश है। मसाला खत्म हो गया, बना रहे हैं दोबारा। क्या बात है भाई, ने जो है ना अनाउंसमेंट कर दिया है, अपने टीम ने भी मसाला खत्म कर दिया। चाहे इसकी टीम ने खत्म करो या फिर मेरी टीम ने खत्म करो, मसाला खत्म। बिल्कुल गाइस यार, दोनों टीमों ने एक बार तो जो मसाला है वो खत्म करवा दिया, यानी कि जेंट्स ने करवा दिया और इधर अब लेडीज ने भी मसाला खाली करवा दिया है, तो नया मसाला बन रहा है। मुकाबला जो है काफी मजेदार, काफी जबरदस्त होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, लेडीज जीतेगी या फिर जेंट्स? फटाफट से एक बार फिर से कमेंट कर दो कौन जीतेगा। और भैया आप फिर से मसाला बना दो। ठीक है, ठीक है। मसाला तैयार हो चुका है। तो गाइस यार, लेडीज के लिए मसाला फिर से तैयार हो चुका है। भैया से पूछ लेते हैं कि लेडीज ने कितनी खाई, कितनी खाई भैया? 120 पतासी। तो गाइस यार, लेडीज भी काफी खा रही है। इसका जीप मलचा रहा भाई, मेरा एक भी विकेट नहीं गिरा है और 120 इन्होंने खा लिए भाई, थोड़े सारे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है यार, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश, खाओ खाओ खाओ। तो भाई हमारी टीम का है ना वो एक भी विकेट नहीं गया है और स्कोर काफी पहुंच गया, सब के सब खाए जा रहे हैं। और जो बात है ना लेडीज वाली, वो लगभग सही होती नजर आ रही है, लेकिन अभी इतना भी आसान नहीं है। भैया कितने हुए हैं? हो गए? ओए कितने हो गए बताए? 200 हो गए। 200? हाँ हो गए, सच्ची में हो गए भाई साहब। यार जो मुकाबला है गजब का हो रहा है, यानी कि लेडीज और जेंट्स का ये जो मुकाबला है काफी क्लोजअप है भाई। जो जेंट्स का रिकॉर्ड है शायद टूट सकता है यार आज के इस मुकाबले के अंदर। 200 खा चुकी है लेडीज। मेरी टीम जीत सकती है भाई, जीत सकती है। गाइस मेरी टीम जीतेगी कि नहीं? मेरी 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 कमेंट करो। ओहो भाई वो और बोल रहे, लाओ लाओ लाओ। तो भाई यहाँ पर है ना लेडीज के अंदर कुछ ना कुछ गुपचुप हुई है, पता नहीं यार मेरा विकेट गिरेगा या फिर नहीं, कोई हार मानेगा भाई? थोड़ी अब कसमसाहट हो रही है, यानी कि विकेट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस है अब लेडीज का। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? ये देखो, नहीं गिरेगा। हमें भी है ना ऐसे मजबूत कैंडिडेट की आवश्यकता है जो कि यार हमारी बात रखे। खाओगे और आप खाओगे? आप आप ये तो खाएंगे ही खाएंगे भाई, अभी भी एक विकेट नहीं गया है। कमाल की बात है, एक विकेट नहीं गया है। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज आई, यानी कि टीम लेडीज का एक विकेट गिर चुका है यहाँ पर। नहीं ये नहीं है, अभी भी 4 कैंडिडेट और बचे हैं और हम स्कोर के बहुत ज्यादा करीब है। ये गया तो गया, 4 बंदे अभी लेडीज बाकी हो ना। और ये पूरा खाओ, ये बिल्कुल खाएंगे। नई प्लेट दो, नई प्लेट। तो भाई ये जो है ना 100 नोट है और उधर डकारे मिली जा रही है। 100 नोट है, हो सकता है 100 नोट इनको जाए या फिर हो सकता है 100 नोट गुड्डू वाली टीम को जाए। भाई ये तो गए नहीं, ये
हमारी टीम के हैं। तो गाइस यार इन नोटों को यहाँ पर रख देते हैं और लास्ट के अंदर देखेंगे कि ये जो गड्डी है 500 की वो किन की टीम के अंदर जाएगी, टीम लेडीज या फिर टीम जेंट्स के अंदर। ठीक है, एक बार भाई से पूछ लेते हैं कितने हुए। इधर आ, फिर चीटिंग बोलेगा। हाँ कितने हैं मुझे बता। इधर भाई 230 हो गए। ठीक है 230। ओके ओके, देखो देखो आगे आगे क्या होता है। गाइस यहाँ पर एक और बैड न्यूज मेरे लिए, यहाँ पर टीम लेडीज ने एक बार फिर से मसाला खत्म कर दिया है। गाइस मेरे लिए गुड न्यूज, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा करीब आ गया है, मसाला फिर से खत्म। हमारी लेडीज टीम को और टीम को और ज्यादा मौका मिलेगा। भाई जल्दी से बना भाई, भाई जो पलड़ा है धीरे धीरे लेडीज की तरफ झुक रहा है। 50,000 वाला झुकेगा ना बॉस, झुकेगा। लेडीज होती ऐसी है, ठीक है ना। लो सा, ठीक है भाई, एक बार फिर से मसाला तैयार हो गया है। फिर से चार कैंडिडेट जो थे ना वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रुकना नहीं है। नहीं कौन रुका। ठीक है भाई, अरे लो, अरे ले लिया। अरे यार ले लिया, मैं तो ऊपर वाले मन से बोल रहा था। क्या हुआ? तो भाई हमारी टीम का जो है ना सेकेंड विकेट यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि ये बोल रहे हैं अब मेरे से नहीं खाया जा रहा। ठीक है भाई यार, यहाँ पर जो मुकाबला है काफी खतरनाक स्थिति के अंदर आकर पहुंच चुका है। जो तीन लेडीज है अभी भी खाए जा रही है। लेकिन गाइज कब तक खाएगी लेडीज? अगर पेट फुल हो गया ना तो उसके बाद में एक बाइट भी नहीं खा सकती। लेकिन भाई बात है 50,000 रुपए की। मुझे बताइए स्कोर क्या है जेंट्स का, और इनको किसी को भी नहीं बताया कि यार स्कोर क्या है जेंट्स का। मुझे है और इसको पता है, लेकिन इनको बेचारों को नहीं पता। जब तक खाएगी तब तक पेट नहीं भरता, और बाजी तीन लेडीज रख रही है। ठीक है, और हो सकता है गाइज अगर ये जो लेडीज यहाँ पर गेम क्विट करे तो हो सकता है लेडीज या फिर जेंट्स के अंदर से ये लेडीज जीत भी सकती है और हार भी सकती है अगर यहाँ पे क्विट करे तो, क्योंकि स्कोर का किसी को पता नहीं है। अब मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि पेट लगभग सबका फुल हो चुका है। जब तक खाना है तब तक यार ये खा सकती है। ठीक है ना, सबका पेट फुल है। आई थिंक फुल है, फुल है। खाओगे और? अरे भाई क्या बात है, पेट फूल है लेकिन और खा रहे हैं। क्या हुआ, मना कर रहे हैं क्या? अरे खा रहे हैं। तो गाइज यार काफी टाइम हो चुका है इन तीन लेडीज को खाते खाते, और भैया से पूछ लेते हैं लेडीज का क्या स्कोर हुआ। भैया धीरे से बताना। बताओ। 290। भाई साहब गाइज यार 290, और ये वक्त ऐसा है हो सकता है 290 से जो जेंट्स है वो कम भी खाए हो और ज्यादा भी खाए हो, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये यहाँ पे रोक देते हैं तो बाद में हम अनाउंस करेंगे कि ज्यादा कौन खाया। तो रोकोगे आप? नहीं अभी भी नहीं। गाइज अभी भी चल रहा है मुकाबला, तो खाओ तो खाओ। नहीं पक्का ना? तो भाई मेरी जो टीम है ना वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुड्डू की टीम थी ना वो यहाँ तक आते आते पस्त पड़ती गई, विकेट गिरते गए, लेकिन हमारी टीम के तीन विकेट अभी भी बाकी है। खिलाओ भैया, खिलाओ। बिल्कुल खिलाओ। खाओ, जल्दी खाओ। क्या हुआ? अरे यार एक विकेट गया मेरा। इसको नाच आ रही है, लेकिन अभी भी दो है ना, मेरे दो विकेट स्टिल अलाइव है। और खाओगे? पक्का। ओ माय गॉड, और आप खाओगे? ठीक है ये तो खाओ फिर। भैया कितने हुए? जोर से बताओ यार, जोर से बोलो। अरे भाई 300 अभी भी थोड़ा बाकी है। 300 थोड़ा अभी भी बाकी है। थोड़ा और हौसला रखना है गाइस। ठीक है खिला, जब तक खाते हैं खिलाओ इनको, हार नहीं माननी है। ठीक है ये कितने हुए? एक। हाँ
अरे ये तो खाओ पहले, ये खाओ साथ में खाओ। आप पूरी खाओ। मुझे बस खत्म। तो भाई यहाँ पर है ना यार, मेरी टीम का एक और विकेट गिर गया है और एक विकेट स्टिल अलाइव है। देखते हैं कि यार वो कितने खा पाते हैं। ठीक है, एक बचे हैं भाई, ओनली वन पर्सन। चार विकेट गए और हो सकता है यहाँ पर कुछ भी, इनकी जीत भी हो सकती है अगर ये यहाँ पर छोड़े तो, और इनकी हार भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है चीज क्या है। ये सच में थोड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं, खाऊं या क्विट कर दूं। खाओगे? हैं? वाह भाई साहब, और खा रहे हैं। खत्म भाई, मेरी टीम का एक और विकेट गया। लेकिन अब मुझे पता पड़ गया कि विनर कौन है और लूजर किसकी टीम है। और भैया से एक बार और पूछ लेते हैं कि लेडीज ने फाइनल लास्ट के अंदर कितनी खाई है। भैया बताओ, कान के अंदर, कान के अंदर, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हे बस बस इतनी। यार मतलब सब चीजें जो सुन रही थी सब झूठी थी। तो गाइस यार फाइनल यहां पर रिजल्ट आ चुका है, तो अब लाते हैं लेडीज और इधर जेंट्स को और निकालते हैं यहाँ पर रिजल्ट। तो गाइस यार उधर लेडीज खड़ी है और इधर यहाँ पर मेरी टीम, और जो इस महा मुकाबले का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जेंट्स ने कितनी पानी पूरी खाई है। जेंट्स ने खाई है 300 पानी पूरी, यानी कि आज के इस मुकाबले के विजेता रहे। अरे लेडीज, क्योंकि भाई यार मेरी टीम ने ना 320 पानी पूरी खाकर इन जेंट्स को सबको हरा दिया भाई। तो तालियां बजे भाई, तालियां बजे। मेरी टीम के विजेता है ये वाले और वो वाले। ठीक है, इन्होंने 320 पानी पूरी खाई है और जेंट्स ने मात्र 300 पर हार मान ली। और इसकी हालत देखो भाई, और मेरी टीम की खुशी देखो, इस साइड खुशी देखो। पूरे के पूरे 50,000 नगद कैश प्राइज इनके हो चुके हैं। कितने आदमी थे? दो आदमी। पांच। कितने आदमी थे? पांच। तो गाइस यार यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 50,000 के यहाँ पर हकदार है लेडीज। आओ भाई, मेरी टीम तो बिल्कुल ऑसम थी और लास्ट तक टिकी रही। तो इनके जो लीडर है ना, इनको 50,000 रुपए सौंप दिए जाते हैं कैश प्राइज। अब चाहे कुछ भी करे, पानी पूरी खरीदे या चाहे शॉपिंग करे, लेकिन कहा जा सकता है यार पानी पूरी चैलेंज के अंदर लेडीज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसकी हालत देखो, इसकी हालत देख लो। आपका कमेंट सही निकला गलत निकला? मेरे वाले सही थे। तो गाइस यार कुछ भी हुआ, आपका कमेंट सही निकला या फिर गलत निकला, आपको मजा आया कि नहीं, मजा आया वीडियो को लाइक कर दो और एक्सपेरिमेंट किंग को क्या कर दो, सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं कुछ कमाल धमाल और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।